इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार, हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत काल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है।